आइन बनता है टूट जाता है, फिर आइन टूटता है उसके बाद मुल्क टूटता है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं, उनसे मैं सौदेबाजी करूं। मैं कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा, क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के आवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है और मुल्क तोड़ दिया है? और मुल्क तोड़ने वाले देखें आप, सितम जरीफी ये है कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। ये कोई, ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते? जो आईन ने बताया कि इस दायरे में आप रहे, ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वजीर आजम को, हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के एक जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया उसको मुल्क बदर कर दिया, उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार किया, उसको हथकड़ियां लगाई, उसको काल कोर्ट में बंद किया? आप देखिए, आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारी जंगलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे।